पुराने सरकार से रुष्ट है आप? पुरानी सरकार ने कुछ काम नहीं करी है, जो भी काम करेगी अब नई सरकार करेगी, कांग्रेस की सरकार ही करेगी। अगर मान लो इतने वादे उनके झूठे हो गए तो? कांग्रेस के वादे झूठे हो ही नहीं सकते, हमको पूरा भरोसा है। कैमरे में देख के बोलिए। नहीं नहीं बोलिए। कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस आना चाहिए। चलिए ठीक। आप परिवर्तन क्यों चाहते हो? परिवर्तन बहुत महंगाई हो गई, बहुत गुंडा राज हो गया, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए मधु भगत को ला करके सब अच्छा बनाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं कैमरा न्यूज सावित्री दानी और आज हम हैं ग्राम खारा में और ग्राम खारा का जबरदस्त यहाँ पर बाजार लगा हुआ है और ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि एक जबरदस्त टक्कर यहाँ पर होने वाली है। चुनावी बिगुल बज चुका है, बीजेपी या कांग्रेस है ना। मधु भगत जी अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं यहाँ पर, अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि वह जीतने के बाद में कौन कौन सी योजनाओं को यहाँ पर लाने वाले हैं, कैसे वो नारी सम्मान के बारे में उन्होंने बात किया, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। और आइए हम जानते हैं जनता से कि जनता की क्या राय है, क्या चाहते हैं। भैया जीतना चाहिए, जीतना चाहिए। कौन जीतना चाहिए सर? बीजेपी। मधु भगत क्यों सर? अच्छे आदमी, उनके वार अच्छा है। अच्छा, और अभी जो पिछले 10 साल से जो आपके यहाँ पर है ना, नानू जी कावरे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले? नानू कावरे जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो ऑलरेडी इन्होंने उनका आचार अच्छा बहुत बढ़िया व्यवहार है। अच्छा, भी बढ़िया है। अच्छा, तो आप किसका समर्थन करते हैं? हम नानू कावरे करते हैं। चलिए, आप परिवर्तन चाहते हैं? सर आपको क्या लगता है इस पर चुनावी बिगुल का क्या? बढ़िया चल रहा है अभी तो। अच्छा, हाँ। आप किसको समर्थन देते हैं सर, भाजपा को कि कांग्रेस को? कांग्रेस को जी। कांग्रेस को देते हैं। तो सर पिछले 10 साल से चली आ रही जो सरकार है वो तो बहुत अच्छा कर रही है, सब कुछ दे रही है। हम तो पहले से ही मानू का उनको दे चुके हैं, मधु भगत जी को। आप पहले से ही कांग्रेस ही है? धन्यवाद सर। आप बताएं आपका चुनाव माहौल कैसे है? हमारा माहौल तो पंजे को ही जाएगा, पूरा वोट पंजे को ही जाएगा। आप भी चाहते पंजा ही है? पंजा ही आएगा, तभी सबका काम होगा। अभी के समय पुराने सरकार से रुष्ट है आप? पुरानी सरकार ने कुछ काम नहीं करी है, जो भी काम करेगी अब नई सरकार करेगी, कांग्रेस की सरकार ही करेगी। अगर मान लो इतने वादे उनके झूठे हो गए तो? कांग्रेस के वादे झूठे हो ही नहीं सकते, हमको पूरा भरोसा है। काका जी नमस्ते। नमस्ते। आप बताएं, बोलिए, आप बताएं कि इस बार चुनावी बिगुल कैसा होगा? इस बार तो सरकार बदलना है। सरकार बदलना क्या है? हाँ। आप बताएं सरकार बदलना क्या है? परिवर्तन ही नियम है प्रकृति का, परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ की भी जनता चाहती है परिवर्तन, इनका कहना है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन होना निश्चित है। सर आप क्या चाहते हैं? काका जी हमारे यहाँ आपके ग्राम में आए हैं चुनावी क्षेत्र के बारे में, माहौल के बारे में जानने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, यहाँ पर मधु भगत जी भी हैं और जो कि अपना भाषण यहाँ पर दे रहे हैं और साथ में यहाँ पर नानू कावरे जी जिनका ये गढ़ है ना, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? अच्छा, आप साथ किसके साथ है जी? कांग्रेस के साथ में है। आप कांग्रेस के साथ में हैं? आप चाहते हैं कि कांग्रेस की सत्ता आए? पिछली बार मधु भगत जी हार गए थे, आपको क्या लगता है इस बार जीत पाएंगे? आज टमाटर के रेट लाल हो गए, कहाँ का पैसा है? काका नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया ना? बढ़िया। क्या लगता है इस बार चुनावी बिगुल कैसा होगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा? हाँ। अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा होगा। आप किसको समर्थन देते हैं? मधु भगत को देते हैं। मधु भगत को समर्थन देते हैं। आप परिवर्तन क्यों चाहते हैं? आप परिवर्तन क्यों चाहते हैं? मधु परिवर्तन बहुत महंगाई हो गई, बहुत गुंडा राज हो गया, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए मधु भगत को ला करके सब अच्छा बनाना चाहिए। क्या पिछली सरकार से आप नाखुश हैं? नाखुश है। उसका कारण जान सकते हैं हम? कारण वही है, महंगाई है, रेत माफिया है, गुंडागर्दी है, बहुत सारी महंगाई हो गई, गैस के रेट बढ़ गए, हर चीज के रेट बढ़ गए। लेकिन पिछली सरकार ने आपको सब कुछ दिया, कपड़ा, रोटी और मकान, ये तीनों जो आवश्यक मूलभूत चीजें होती है उसकी उन्होंने परिपूर्ति की है। हमारी महिलाएं बाहर नहीं जाती शौचालय के लिए है ना, यहाँ पर बहनों को मिल रहा है 1500 रूपए, 1200-1250 रूपए प्रति महीना, ठीक है, जो कि बढ़कर 3000 रूपए होने वाला है। तो आप इस विषय पर क्या कहेंगे? ये तो सब हमारा पैसा हम ही को दे रहा है, महंगाई बढ़ा दिया मन भर की दुनिया भर की, हमारे जेब काट के हम ही को दे रहा है, कहाँ अपना दे रहा है वो। चलिए धन्यवाद आपका। नमस्ते दीदी।
जी, आप क्या चाहती है इस बार, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी की कांग्रेस आए या इसकी आए, बीजेपी की आए? कैमरे में देख के बोलिए। नहीं नहीं बोली बोली बोली, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जी बोलिए, कौन आना चाहिए, कौन आना चाहिए? कांग्रेस, कांग्रेस आना चाहिए। चलिए ठीक है, आप कैसी हैं दीदी? इस बार बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस ही है। अच्छा, आप और कांग्रेस? दीदी बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस, कांग्रेस चाहिए। दीदी बदलाव क्यों? दीदी मामा जी तो सब कुछ दे रहे, बच्चों को भी, बड़ों को भी, महिलाओं को भी, बुजुर्गों को भी, किसान सम्मान निधि भी दे रहे, घर बना दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी कांग्रेस क्यों? लोग उधर मिर्ची नहीं लगा रहे हैं, तो वचन के सारे गलत मतदान कर दिया। आपका आप 18 साल के हैं? नहीं 18 साल के तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मधुबाला जी की सरकार बने, क्योंकि पिछली सरकार जितने परिवर्तन का इतने अच्छे अच्छे वादे कर रही है, जरूर इसको पूरा करेंगे, है ना? आपको ऐसा लगता है कि इतने अच्छे अच्छे जो वादे कर रहे हैं, क्योंकि हर चुनाव में होता है कि नेता लोग आते हैं, भाषणबाजी करके बहुत अच्छे अच्छे वादे करके जाते हैं, और एक बात मैं आपको बता दूं, क्या कोई भी नेता अपने वादे पर खरा उतरता है? हाँ जी, बहुत नेता तो ऐसे जो वादा करते हैं लेकिन मतलब पूरा नहीं करते, एक दो वादे मतलब सस्ते वादे पूरे कर देते हैं, लेकिन ये मतलब भैया इतने अच्छे कि मतलब इतने अच्छे अच्छे वादे कर रहे हैं, और इनको मतलब कोई भी शादी तेरी का एक बार काट तो एक ही बार में आगे मतलब। तो क्या आपको नहीं लगता जैसे बाकी के लोगों ने लॉलीपॉप दिया, वैसे मधु भैया भी लॉलीपॉप दे रहे? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि लॉलीपॉप दे रहे करके मतलब इनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है, ये वादे अपने पूरे करेंगे इस बार सरकार। यानी आपको 100% विश्वास है कि जो भी मधु भैया बोल रहे हैं वो पूरा करेंगे? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि जो मधु भैया कह रहे हैं वही पूरा करेंगे। मतलब कहेंगे इस बार कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। सर कांग्रेस क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ बीजेपी ने करीब 18 साल राज कर चुकी। आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन है ना, है उसका कोई बड़ा कारण? उसका बड़ा कारण वही है कि यहाँ की पब्लिक खुश नहीं है मधु भैया, इसलिए आने चार एक चुनाव मधु भैया जीते हैं, इस बार भी मधु भैया जीतेंगे। अच्छा, पिछली बार तो बहुत कड़ी हार हुई थी उनकी। पिछली बार इसलिए हार हुई मैम कि वो उधर से ही कमजोर होते हुए आए, ऊपर से तो पीछे से तो इसमें मधु भैया आगे रहे। अच्छा, इस बार मधु भैया लीड कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? अच्छा, आपकी क्या अपेक्षा है कि मधु भैया जब आ जाते हैं तो आपकी अपेक्षा क्या है कि आने के बाद वो क्या क्या करेंगे आपके क्षेत्र में? देखो, मधु भैया आने के बाद में हो सकता है अपने कार्य में हमारी सरकार अगर बैठ जाए, हमारे कमलनाथ जी तो होना ही होना है, करेंगे, और सरकार नहीं रहेगी तो कहाँ से काम करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगर ये तो मैं देख रहा हूँ 80% 20% वालों से मैं कह रहा हूँ।